आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी रुकाम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन स्वागत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो फेस्टिव सीजन में जमकर खरीदे अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सरकार ने शुरू की है नई सब्सिडी योजना। त्योहारी सीजन में अगर आप भी कोई नई मोटरसाइकिल या फिर स्कूटर या फिर कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं तब आप इलेक्ट्रिक ऑप्शन को खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। इससे जुड़ी अच्छी बात यह है कि सरकार ने ईवी पर दी जाने वाली नई सब्सिडी योजना को शुरू कर दिया है। वही सरकार ने मंगलवार को पीएम ई ड्राइव योजना लॉन्च की है जिसकी वजह से ईवी पर जो है लोगों को सब्सिडी का फायदा मिलेगा, उन्हें सस्ती गाड़ियां जो है मिलेगी। वही सरकार ने ई ड्राइव योजना के लिए शुरुआती लेवल पर 10,900 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है। इस योजना का मकसद भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना और ईवी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को डेवलप करना है। वही योजना जो है 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी, यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सब्सिडी की छूट 2026 तक मिलती रहेगी। हालांकि ये सब्सिडी डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगी बल्कि सरकार इसे ईवी कंपनियों को देगी और वह जो है कंपनियां जो है कीमतों में कटौती के तौर पर जो है आपको सब्सिडी का फायदा पहुंचाएगी। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 तक के लिए लागू इसको किया जा रहा है। वही EMPS 2024 यानी इलेक्ट्रिक गतिशील सर्वोदय योजना को पीएम ई ड्राइव योजना में शामिल जो है वो कर लिया जाएगा। भाई पीएम ई ड्राइव योजना के तहत टू व्हीलर्स के लिए सब्सिडी बैटरी पावर के आधार पर 5,000 रुपये प्रति किलोवाट तय की गई है। योजना दूसरे साल में आधे करके जो है इसको 2,500 रुपये प्रति किलोवाट कर दिया जाएगा। इस तरह कुल जो है 5,000 रुपए से लेकर अधिक यह नहीं होगा। इस समय ओला, TVS और एथर और इसके अलावा हीरो और वेडा जो है अपने स्कूटर्स जो है वो यहाँ पर पेश किए हैं। इसने जो स्कूटर पेश किए हैं जिसमें 2.88 से लेकर 4 किलोवाट तक यहाँ पर जो है बैटरी है, इसकी कीमत जो है 90,000 रुपये से 1.5 लाख रुपये के बीच है। बस योजना को पेश करते हुए भारी उद्योग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव जो है उन्होंने यहाँ पर कहा है कि पूरी प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए एक मोबाइल ऐप पेश किया जाएगा जिसके जरिए योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए ई वाउचर बनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा है कि इसे एक आधार पर एक वाहन की अनुमति यहाँ पर होगी, जिससे वाहन ही बिकेगा उसका ई वाउचर जो है वो तैयार हो जाएगा। तो ये यहाँ पर सरकार की ओर से कहा गया है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो हिमाचल के लोगों के लिए जरूरी खबर देखिए, 300 वाट से ज्यादा बिजली खपत करने वालों की सब्सिडी खत्म। हिमाचल प्रदेश में यदि आप महीने के अंदर 300 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत करते हैं तो सरकार से मिलने वाली बिजली सब्सिडी जो है आपको नहीं मिलेगी। दरअसल राज्य सरकार ने ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वालों को खपत को खत्म कर दिया। हालांकि 300 यूनिट से कम बिजली खपत करने वालों लोगों की सब्सिडी जो है वो जारी रहेगी। तो हिमाचल प्रदेश में सरकार ने पहले ही ऐलान यहाँ पर कर दिया था कि जो भी व्यक्ति जो है 300 यूनिट से ज्यादा बिजली का यूज करेगा उसका जो है सब्सिडी उसको नहीं मिलेगी। तो हिमाचल प्रदेश में जो है ये बड़ा ऐलान यहाँ पर किया गया है जिसमें 300 यूनिट से ज्यादा अगर आप बिजली उपयोग में लेते हैं उपयोग करते हैं तो आपको जो है सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, दशहरे से पहले सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, इस राज्य में महंगाई भत्ता 4% बढ़ा। त्योहारी सीजन से पहले सिक्किम में सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ खबरें आई है। दरअसल सिक्किम सरकार ने जो है दुर्गा पूजा उत्सव से पहले अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। राज्य के मुख्य सचिव द्वारा सर्कुलर में जानकारी जो है वो दी गई है। राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों का महंगाई राहत 1 जनवरी 2024 से मौजूदा 46% से बढ़ाकर 50% कर दिया जाएगा। सर्कुलर में कहा गया कि राज्य सरकार के नियमित वेतनमान में संशोधन, वेतन पाने वाले और कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त कर्मचारियों और कार्य विघित प्रतिष्ठानों को जो है महंगाई भत्ता दिया यहाँ पर होगा। इस बीच केंद्र सरकार के कर्मचारी बेसब्री से अपने DA यानी जो यहाँ पर महंगाई भत्ता जो है उसकी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं जिसकी घोषणा अक्टूबर में होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक 3 अक्टूबर 2024 को एक स्पेशल कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है जिसमें महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया जा सकता है, इसे मौजूदा 50 से बढ़ाकर 53 कर दिया जा सकता है। ये बढ़ोतरी जुलाई 2024 से लागू होगी और कर्मचारियों को जुलाई से सितंबर के बीच 3 महीनों का एरियर भी दिया जाएगा। बाद अब बताएं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर देखिए, GST से फिर भरा है सरकारी खजाना, सितंबर में सरकारी खजाने में आए हैं इतने पैसे। GST से सरकार की लगातार कमाई बढ़ रही है। सरकार की तरफ से जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सितंबर के महीने में पिछले साल के मुकाबले 6.5% ज्यादा GST कनेक्शन हुआ है। हालांकि अगस्त के महीने के मुकाबले आंकड़े में थोड़ी गिरावट आई है। 2024 के जनवरी से लेकर सितंबर महीने तक 9 महीनों में सरकार को GST से 9,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की इनकम हुई है। वही GST के लिहाज से सितंबर का जो सकल संग्रहण सालाना आधार पर 6.5% बढ़कर 1,73,000 करोड़ रुपए पार पहुंच गया है।
वही पिछले साल की बात करें तो पिछले साल जो है 163,000 करोड़ रुपए जीएसटी क्लेशन लिया था। वही सरकार की तरफ से मंगलवार को जारी आंकड़ों में इस बारे में जानकारी दी गई। पिछले साल की समान अवधि में कुल मिलाकर जीएसटी कलेक्शन 163,000 करोड़ रुपए रहा था। वही अगस्त 2024 में जीएसटी संग्रहण 175,000 करोड़ रुपए रहा था। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सितंबर में घरेलू कर राजस्व 5.9% बढ़कर करीब 127,000 करोड़ रुपए हो गया है। वही माल के आयात से प्राप्त राजस्व 8% बढ़कर 45,390 करोड़ रुपए रहा है। तो इस सरकार को जो है बड़ा फायदा हुआ है जीएसटी कनेक्शन से, जिसे जो है यहाँ पर सरकार को जो कमाई जो है जिसमें सरकार की होती है जीएसटी से, वो जो है यहाँ पर बढ़ गई है। वैसे वीडियो अच्छा लगे आप लाइक करें और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आप बेल आइकन भी दबा सकते हैं रोजाना सीधे की खबरें प्राप्त करने के लिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।